हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना एकेडमी। तो जैसा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आपका आउट हो गया है और इतने कम समय, ठीक है, यानी आयोग ने आपको बहुत कम समय दिया है, मात्र आपके पास 2 माह है और इन 2 महीनों में एक प्रॉपर प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन इस पर चर्चा हम लास्ट में करेंगे वीडियो के, तो आप लास्ट तक अवश्य बने रहें। और पहले हम चर्चा करते हैं कि ये आपका जो एग्जाम है इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे और इसका क्या सिलेबस है, क्या इसमें आपका कोई भी बदलाव हुआ है क्या। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, तो ये आपका 17/9/2024, ठीक है, और 16/10/2024, यानी आपका ये 17 तारीख से, कल से आपके फॉर्म भरना सीटेट के शुरू हो गए हैं और इसे आप 16 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी जो एग्जाम की डेट है, तो ये आप देख पा रहे होंगे 1 दिसंबर, यानी 1 तारीख को, 1 दिसंबर को आपको सीटेट का आपका एग्जाम है। तो आप मान के चलिएगा कि आपके पास प्रॉपर 2 माह का ही वक्त है, क्योंकि आपका जो सितंबर है ये अभी, तो ये तो आपका फॉर्म फिल करने में और आपका बुक लेने में या फिर ये सोचने में कि हमें ऑफलाइन स्टडी करनी है या ऑनलाइन स्टडी करनी है, इस सम पर ही चला जाता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो वहाँ तक आप अभी से, आज से ही कमर कस के पूर्ण मेहनत एवं पूर्ण लगन के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। अब देखो, चर्चा करते हैं कि बात हो रही थी कि क्या ये इसमें कोई बदलाव हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जैसा सुनने में आ रहा था कि आपके ये 3 पेपर होंगे, देखने को मिलेंगे आपका 1st, 2nd और 3rd, ठीक है। जैसा कि पहले आपका ये सिर्फ पेपर 1st होता था और पेपर 2nd, लेकिन इस बार 3rd की भी थी, लेकिन उन्होंने प्रॉपर 1 साल का समय मांगा था और ये आपका शायद जनवरी में समय पूरा होगा, ठीक है, तो 2024। तो अभी ये आपका 3rd स्टेज का नहीं होगा। देखो, सीटेट के एग्जाम में चाहे वो आपका सिलेबस हो, चाहे परीक्षा पैटर्न हो, किसी में भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, और सिर्फ आपकी ये तारीख बदल दी गई है। आप ये देख पा रहे होंगे एग्जाम डेट है आपकी 1/12/2024, यानी 1 दिसंबर को होगा। पेपर 2nd आपका मॉर्निंग वाली शिफ्ट में होगा 9:30 से, ठीक है, 12, और पेपर 1st आपका इवनिंग यानी शाम के समय में होगा, ठीक है, 2:30 से 5 बजे। तो ये आप देख पा रहे होंगे। और आगे भी हम देखो इसमें चर्चा कर लेते हैं। और ये आपके फॉर्म फिल करने की बात की गई है और सब पर डिटेल में चर्चा होगी। तो आप देखो, इसमें हम देख पाते हैं कि जो भी जनरल, ओबीसी और एनसीएल वाले कैंडिडेट हैं, अगर आप पेपर एक ही परीक्षा देना चाहते हो, चाहे पेपर अकेले पेपर 1st की आप देना चाहते हो, तब आपके 1000 रुपये लगेंगे, या फिर आप अकेला 2nd पेपर देना चाहते हो तब 1000। अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो बोथ, और SC ST और जितने भी डिफरेंट कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो इनके यहाँ 500 रुपये हैं और यहाँ आपके 600 रुपये, यानी सारी चीज़ें सेम ही है, सिर्फ परीक्षा डेट बदल दी गई है और कुछ भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिला है। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सिलेबस में भी आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, सिलेबस भी आपका वही है। देखो, हम थोड़ा सा सिलेबस भी देखते हैं। और ये देखो, यही आपका टाइमिंग आपकी दी गई है, यानी आपका पेपर 2nd, तो देखो 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है और दोनों पेपरों के लिए ही आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और सिलेबस में भी आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और ये आपका सीटेट जो दिसंबर 2024 है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे पेपर 2nd के लिए है आपका। तो पेपर 2nd में आपका CDP हो गया, ठीक है, और 30 नंबर, और आप मैथ या साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो यहाँ आपको 60 नंबर मिलेंगे। सोशल साइंस के, तो यहाँ भी आपको 60 नंबर मिलेंगे। और आपकी लैंग्वेज 1st, ठीक है, और लैंग्वेज 2nd, तो इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा, 150 प्रश्न और 150 ही इसके आपको नंबर मिलेंगे। और इसी तरीके से पेपर 1st भी होता है,
और पेपर लैंग्वेज आपको क्या क्या सिलेक्ट करनी है, ये सारी चीजों पर हम चर्चा कर लेंगे। अब देखो बात करते हैं कि इतने कम समय में आप किस तरीके से तैयारी करें, और तो फिर ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। देखो समय आप अपनी कमर कस लीजिएगा, आपके पास बहुत कम समय है, ठीक है, बहुत कम समय है। इतने कम समय में आपको कम से कम डेली, ठीक है, वैसे आपका ये 4 से 5 घंटे की पढ़ाई में काम चल जाता था, लेकिन अब आपको 6 से 7 घंटे की पढ़ाई अवश्य करनी है। 6 से 7 घंटे आपको अवश्य अपने आप को देने हैं, तो इतने 1 घंटे की आप पढ़ाई अवश्य करें। और नोटिफिकेशन आपका आ ही गया है, 1 दिसंबर को आपकी परीक्षा है, और लास्ट के आपके 15 दिन आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए रखिएगा। तो पूरा कोर्स अपना, ठीक है, और इसमें 10 दिन आप सितंबर के उठा के रख लीजिएगा, और ठीक है, और उधर से ले लीजिएगा। तो अपनी ये तैयारी पूर्ण करने में जुट जाइएगा। चैनल पर भी आपको मोटिवेशन वीडियो भी मिलेंगी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, साथ ही साथ आपको पहले भी तैयारी कराई गई है तो उसी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो एक साथ देख सकते हो, कैसे प्रिपरेशन करनी है, 1 मंथ में कैसे करनी है, असल जो छात्र बार बार होते हैं उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो आपको मिलेगी, वहां जाकर के उन वीडियो को अवश्य देखें, साथ ही साथ नई वीडियो भी आपको दी जाएंगी, और साथ ही साथ प्रॉपर तैयारी भी आपको चैनल पर कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और पूर्ण तैयारी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।